अनूठी में आपका स्वागत है। आज फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी ब्रेड के वेजिटेबल शॉर्ट केक्स, जो मैं पैन में सेक के बनाऊंगी। रोस्टेड बहुत टेस्टी होते हैं, क्रिस्पी होते हैं। और इसकी हम रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको सामान बताऊं। आप 8 स्लाइस ले लीजिए मिक्सी में पीस कर, ये मैंने रख लिए हैं मिक्सी में पीस कर, 8 स्लाइसेस हैं। 5 आलू उबाल कर कद्दूकस करके रख लिए हैं मैंने। 1 कटोरी मैंने ली है गाजर कद्दूकस करके। 1 कटोरी मैंने लिया है खीरा, खीरे का पल्प बीच में से निकाल दीजिए, बीज वाला हिस्सा जो आउटर पार्ट होता है उसको हम ग्रेट करके कद्दूकस करके रखेंगे। शिमला मिर्च है, बड़ी शिमला मिर्च थी तो मैंने आधी शिमला मिर्च ली, इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रांग हो जाता है नहीं तो किसी भी डिश में, तो ये मैंने आधी कटोरी लिया है बस। और अदरक लिया है कद्दूकस करके, कड़ी पत्ता है थोड़ा सा लिया है मैंने। मसाले मैंने अजवाइन, नमक, भुना जीरा, लाल मिर्च लिया है बस, और कोई ज्यादा हम स्पाइसेस इसमें डालेंगे नहीं। इसके लिए हम चटनी बनाएंगे टमाटर की पका के, तो मैंने 2 टमाटर मिक्सी में पीस के ले लिए हैं। उसके लिए इसमें हम खाली अदरक डालेंगे, टमाटर और अदरक पका के इसमें हम, आप गार्लिक डाल सकते हैं इसमें, प्याज नहीं पड़ती, अनियन नहीं पड़ती इस चटनी में, गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैं नहीं डाल रही हूँ आज गार्लिक इसमें। अदरक और टमाटर की मैं चटनी बनाऊंगी, इसमें खाली अदरक, टमाटर, मिर्च, नमक, बस यही पड़ता है। भुना जीरा डाल लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। तो हम शुरू करते हैं, पहले हम इसकी चटनी बनाएंगे। हाँ फ्रेंड्स, मैंने चटनी बनाने के लिए पैन में अदरक और ये टमाटर की प्यूरी डाल दी है। इसमें अदरक का फ्लेवर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और इसमें हम अभी मिर्च भी अभी डाल देंगे हम टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि अदरक भी तेज है तो मिर्च आप अपने हिसाब से डालिएगा। और हरी मिर्च इसमें हम नहीं डालते हैं, इसमें हम पिसी लाल मिर्च डालते हैं। और नमक भी हम थोड़ा सा ही डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। इसमें जब ये बन जाएगा इसमें हम थोड़ा सा सिरका डालेंगे। मैं एप्पल साइडर विनेगर कुकिंग में ज्यादा यूज करती हूँ, बिकॉज ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ब्रेन के लिए एप्पल साइडर विनेगर बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और एप्पल साइडर विनेगर अगर आप किसी भी फॉर्म में खाने में लेते हैं तो वो बहुत जरूरी है, रोज थोड़ा सा ले सकते हैं। तो इसको जब ये पक जाएगा तब तो इसमें मैं एप्पल साइडर विनेगर और थोड़ी सी चीनी डालूंगी। ये फ्रेंड्स देखिए हमारी चटनी तकरीबन होने वाली है, इसमें टाइम नहीं लगता बिल्कुल, तेज फ्लेम पर इसको हम बना लेते हैं। इसमें अदरक का फ्लेवर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बस ये होने वाली है। अब हम इसमें थोड़ी सी ये चीनी डाल देंगे, ये मैंने 1 टीस्पून लिया, 1 से 1.5 टीस्पून चीनी बहुत है, आप कम भी डाल सकते हैं, कुछ लोगों को मीठी अच्छी नहीं लगती है। और इसमें हम ये एप्पल साइडर विनेगर डालेंगे 1 टेबलस्पून बस, ज्यादा नहीं डालेंगे। ये एप्पल साइडर विनेगर मैं यूज करती हूँ, बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग व्हाइट विनेगर यूज करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश ये करिए कुकिंग में जितना हो सके एप्पल साइडर विनेगर आप यूज करिए। मैं मैक्सिमम टाइम इसी को ही यूज करती हूँ, बस ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाती है तो हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। हाँ फ्रेंड्स देखिए ये मेरी चटनी तैयार है, बस इसको मैं इसमें एक बाउल में निकाल लूंगी। मैंने गैस बंद कर दी है, ये हो गई है, अब इसको मैं बाउल में निकाल ये देखिए कितनी सुंदर मेरी चटनी तैयार हो गई है। ये अब हम अपनी ब्रेड की तैयारी करते हैं। हाँ फ्रेंड्स,
अभी हम ये देखिए, हम मैंने ब्रेड रखी थी ये करके, मिक्सी में चला कर पीस करके, ये आलू है। मैं इसमें मसाला डाल, देखिए मैंने हरा धनिया घर में सुखा के रखती हूँ, इसमें हम यही हरा धनिया डालेंगे। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा नमक, इसको मेरे को थोड़ा सा रिफाइंड चाहिएगा अभी, इसको थोड़ा सा केक टिन में जिसमें हम इसको रखेंगे उसको हम थोड़ा सा चिकना करेंगे। ये देखिए मैंने इसमें नमक डाल लिया है, थोड़ा ही डालेंगे नमक, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, अपने टेस्ट से डालिए आप नमक। थोड़ी सी मिर्च, ठीक है, थोड़ी सी ये हरी मिर्च डालेंगे हम, ये हरी मिर्च डालेंगे हम, ये हम इसमें डाल लेंगे अदरक, ये गाजर, अदरक डालेंगे हम, ये पिसी हुई कद्दूकस करी हुई अदरक, थोड़ी सी हम डालेंगे ये अजवाइन, लेकिन ये हम हाथ में हथेली में क्रश करके डालेंगे। अजवाइन कम डालते हैं, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो इसलिए हम अजवाइन कम डालेंगे। भुना जीरा, कई लोग इसमें चाट मसाला डालते हैं, लेकिन मैं इसमें चाट मसाला नहीं डालती हूँ, क्योंकि उसका थोड़ा सा फ्लेवर बिल्कुल अलग हो जाता है। शिमला मिर्च, और ये कड़ी पत्ता हाथ से तोड़ कर डालेंगे, बहुत महीन नहीं तोड़ती हूँ मैं कड़ी पत्ता, हाथ से ही तोड़ देती हूँ मैं ऐसे। इनको सबको हम मिला लेंगे अच्छे से, आलूओं में, सारी सब्जियों को बहुत अच्छे से आलूओं में, नमक मसाला सब जिससे आलूओं में अच्छे से मिल जाए। ये खूब अच्छे से मिलाएंगे, नमक मिलना बहुत जरूरी है एक साथ और सारे मसाले। फिर हम इसमें ब्रेड डालते हैं धीरे धीरे करके, जैसे सारा सेंटर में ही ना इकट्ठा हो जाए। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ही डालूंगी मैं। ये अब मैं इसमें ब्रेड डालना शुरू करती हूँ, थोड़ा सा रिफाइंड में, अभी टिन में जब मैं इसको सेट करूंगी तब लगाऊंगी। ये देखिए मैं ब्रेड डालती जाऊंगी और इसको करती जाऊंगी। ये देखिए मैंने कितना अच्छे से इसको मल दिया है पूरा, ये डो जैसा हो गया है। इसको हम इस डिश में सेट करेंगे, तो इसमें हम पहले लगा देंगे थोड़ा सा रिफाइंड। आप इसमें पार्चमेंट पेपर भी लगा सकते हैं, पार्चमेंट पेपर से क्या आपका ऐसा कैसा उठ आता है, पर मैंने रिफाइंड भी लगा दिया है। आप ये भी कर सकते हैं, पार्चमेंट पेपर लगा करके भी कर सकते हैं। अब इसको मैं इसमें ऐसे करके सेट कर दूंगी, देखिए फ्रेंड्स मैंने ये सेट करा है इसको डिश में। आप थाली में, स्टील की थाली में सेट कर सकते हैं, ठीक है, किसी कटोरे में सेट कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे सेट करके आप इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए, जिससे थोड़ा सा शेप ले लेगा, टाइट हो जाएगा और थोड़ा सा ब्रेड मसाले में फूल जाएगी, थोड़ा सा सेट हो जाएगी। फिर 15 मिनट इसको मैं अभी फ्रिज में रख रही हूँ, उसके बाद मैं निकाल कर दिखाती हूँ फिर क्या करना है। हाँ फ्रेंड्स देखिए, ये फ्रिज में से मैंने निकाला है, कितना अच्छा सेट हो गया है। इसके मैं अब पीसेस काट लूंगी, आप चाहें तो आपके पास पैन बड़ा है रोस्टिंग करने के लिए, तो आप इसको पूरा साबुत भी आप इसको रोस्ट करके फिर पीसेस में काट सकते हैं। ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको इतना ही करना है या ऐसे ही कटिंग करनी है, आप जैसे चाहें इसको पूरा भी आप ऐसे सेक सकते हैं।
ये पीसेस कर लिए हैं मैंने। अब इनको मैं पैन में सेक लूंगी। फ्रेंड्स, ये मैंने पैन रखा है गैस के ऊपर, थोड़ा गरम कर लिया है मैंने, ऊपर हीट आ रही है। इसमें हम ये पीसेस अपने स्नैक के रखेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला है। इसको हम शैलो फ्राई टाइप से करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। ये देखिए, ये है, इसको हम ऐसे रखते हैं। थोड़ा हम इनको पलटने के लिए जगह रखेंगे, बहुत क्लोज हम पहली बार में ही नहीं रख देंगे, नहीं तो इनको पलटने में आपके टूट सकते हैं। अब हम इनको सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सेके हैं, एक साइड से सिक गए हैं। अब मैंने इनको धीरे से पलट दिया है, इनको बहुत धीरे से हम पलट देते हैं। ये देखिए, बहुत ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी होते हैं ये। इसमें देखिए खीरे की, सब्जियों की, अजवाइन के साथ, कड़ी पत्ते के साथ बहुत सुंदर सुगंध उठ रही है। आप बनाएंगे तब आप इसको एंजॉय करेंगे, इसको कुकिंग भी एंजॉय करेंगे और खाने वाले भी बहुत तारीफ करेंगे आपकी। बहुत ज्यादा टेस्टी होता है ये स्नैक। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने निकाल लिए हैं अपने शॉर्ट केक्स, वेजिटेबल शॉर्ट केक्स। बहुत सुंदर बने हैं, क्रिस्पी हैं और आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पे, इंस्टा पे अनूठी है और आप उसको विज़िट कर सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फेसबुक और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट टाइम देने के लिए। और आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मेरा और हौसला बढ़ेगा, मुझे और उत्साह मिलेगा। थैंक यू सो मच।